बेटी भी है जिसका नाम है आतृप्ति। अगर ऐसा है तो आतृप्ति आएगी, मिला तो क्यों नहीं मिल गया, मिल गया तो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और भावरे के जैसी दशा हो जाएगी। जैसे भावरा मकरंद के रस का पान करे तो थोड़ा और सूर्य ढल जाए और भावरा उसी में बंद हो जाए। तो आए थे हम भोग भोगने, भोग ने हमको भोग लिया। मुझे पांच We'll be right back.
को ऊपर उठाइए और कैप्टन से बोलिए बोलो गुरु शरणम, 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 बोलो हरि शरणम, बोलो हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, गुरु शरणम, बोलो हरि शरणम. एकाग्रचित होकर थोड़ा रिच मतलब कल आपने सुना कि बिहारी जी ने हमारे कन्हैया जी ने गोवर्धन को उठाया ब्रज के रज में. आज भी और पहले भी मेरे ठाकुर का वास रहा है और रहेगा. जैसे मैंने आपको कहा ना कि कुछ मीडिया वालों ने कोशिश की कि निधिवन में आज भी रास रचती है क्या, तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा क्योंकि बिहारी जी सदा अपने भक्तों के हृदय में विहार करते हैं. गोवर्धन उठाने के बाद आज स्वयं नंद ने अपने पुत्र के बारे में प्रशंसा की है और कहा कि सुनो ये मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है. आज अगर आप मेरी बातों में सहमत हो जाओगे, मेरी बातों को सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा. कहने लगे कि गर्गाचार्य ने पहले ही कह दिया था ये कोई साधारण पुत्र नहीं. नामकरण संस्कार के समय ही गर्गाचार्य जी ने कहा था कि अनेक रूप से अनेक तरीके से अवतरित होकर अभिनय कर कर योग से और कर्म योग से जगत का कल्याण करेगा. पीत हरित और रक्तांबर इन तीन वर्णों में कभी ये रसिक बिहारी बन जाएगा, कभी गिरधारी बन जाएगा, कभी बनवारी बन जाएगा, लेकिन जब भी बनेगा भक्तों के कल्याण के लिए आपका बन गया है. हमारे नंदलाल ने हर किसी को ज्ञान वर्धक बात बताई है. विद्वानों की टीकाकारों की अपनी अपनी शैली है. कन्हैया जी बड़े हो गए हैं, गोवर्धन उठा लिया है. अब कन्हैया जी वक्षपाल से गोपाल बन गए हैं. वक्षपाल यानी बछड़े के पीछे भागते थे नंदलाल, तब उन्हें हम कहते थे वक्ष. अब बड़ी गैया के पीछे जा रहे हैं. गौधन पाल अस्तु गोपाल, गोपाल नहार अस्तु गो. कन्हैया जी गौ का पालन करने लग गए और ब्रज की बालाएं कन्हैया को सताती हैं. ब्रज की बालाओं ने निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे. कन्हैया जी ने कहे तो मूर्खता भरी बात है, दशा हो ही कुछ. कन्हैया जी ने इन सारों की चीर यानी वस्त्र को उठाकर कदम पे जाकर बैठ गए. सारे बाला निर्वस्त्र है, पुरैन के पत्ते से तन को ढक रही है और कन्हैया से विरह वेदना में कहते अरे कन्हैया मेरा चीर दे दे, मेरा वस्त्र दे दे. प्रभु ने जितनी लीलाएं की हैं पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं से ज्ञान वर्धक है, हम उसे रसिक समझते हैं. प्रभु ने अगर रास लीला न चाहिए तो रास यानी जो सबको भाए, लीला यानी कृत क्रिया कार्य. भगवान ने ऐसे कार्य किए जो ब्रजमंडल को ही नहीं वैकुंठ लोक तक सबको भा गया, उसे कहा रास लीला. तो न तुम होश में हो न हम होश में हैं और
दोनों मोहब्बत के आगोश में। और जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। जहां देखूं वही गिरधारी नजर आए, जहां देखूं वही बनवारी नजर आए, कोई और नजर ना आए। इसको कहते हैं महाराज रास। बालाएं कहती है रेव कन्हैया, मेरे बाल दे दो, मेरे वस्त्र दे दो, मेरे चीर दे दो। कन्हैया जी कहते हैं अच्छा, सारे लोग मिल करके भाव प्रकट करते हो। कन्हैया कहते नाना ऐसे नहीं दूंगा, पहले आप संकल्प लो कि आज के बाद जल में निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करेंगे। क्यों, क्या बात है? एक सखी चंचल है, कहती यहां कौन है? बोले मूर्ख, दृष्टा कभी दृष्टि में नहीं आता। दृष्टा को आप दृष्टि से नहीं देख सकते। जिस दिन हमारा जन्म होता है, हमारे शरीर का अंग मां के नाभि कुंड से जुड़ा होता है। जैसे ही उसे काट कर अलग करते हैं, मां के तन से अलग करते हैं, ब्रह्म कुंड से अलग करते हैं, ब्रह्म कमल से अलग होता है, तभी यह जीवात्मा कह देती है, परमात्मा को समर्पित करती, और परमात्मा कह देता है अगर मुझे देखना है कभी तो अंत चक्षु से देख सकते, वह दृष्टि से मैं कदापि दिखा नहीं सकूंगा। प्रभु का पास होना एहसास होने का नाम है। प्रभु का पास होना एहसास होने का नाम है। अगर आपको एहसास है कि परमात्मा श्री हरि आपके पास है, तो परमात्मा आपके पास ही मिलेगा। लेकिन एकाग्रचित होकर अगर उसे स्मरण आप करोगे, पहले आप संकल्प लो कि अब आप जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगे, क्योंकि इस जल के अंदर वरुण देवता का वास होता है और वरुण पुरुष है। जल के अंदर निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करो, भाव पूछे। ब्रज की बालाएं भी कहती अच्छा, तरह तरह के सताती है। वो क्या है कि उनसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए। कन्हैया जी को जो एक बार देख ले वो उसी का हो जाए कि जो खिलावे सोई मैं खाऊं, जो खिलावे सोई मैं खाऊं, जित बैठे बैठ जाऊं, जो करावे सोई करूं मैं, बेचे तो बिक जाऊं, कष्ट पड़े चाहे आनंद आवे, चाहे अग्नि में जल जाऊं, बलि बलि जाऊं तो पे गिरधारी, जन्म जन्म तेरी संगति पाऊं। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जब भरत जी पहुंचे थे ना, तो तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांगो मांगो भरत, तुम्हें क्या चाहिए? भरत जी ने कहा मैं नादानों से दान नहीं मांगता, दान ना देने वाला नादान, और है क्या आपके पास जो मुझे दोगे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा मेरे पास धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ये चारों दे दूंगा। भरत जी ने कहा मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो सत्य कहो मैं वचन सप्री, बाज बाज
सप्रीति मधुर में वेदना में सहनशील लीनता और दीनता की वाणी से कह रहा कि मुझे तो बार बार मेरे प्रभु के चरणों की प्रीति चाहिए, दे सकते हो क्या? तो जग जपि राम राम जप तो धन्य भरत तो ही समन से गाओ भरत, सारी दुनिया राम को भजती है और अब तो राम तुम्हें भजने लगे, तुम्हारे जैसा सने ही कोई नहीं हो सकता। ऐसे कार्य करो कि बिहारी के साथ आपका नाम हो जाए। ब्रजमाला चंचल है, चपल है, कन्हैया को सताने की चेष्टा, कन्हैया जी बंसी बजाते हैं, बंसी बंसी के गुण क्या है? ब्रज की बालाओं ने कहा, मोसो भली श्याम की बंसी जो अधरों पे विराजे। अरे सखी, हमसे अच्छी तो आपके कन्हैया की बंसी है जो उनके अधर पे रहती है। इसको अधर कहते हैं और इसको लज्जा कहते हैं, इसको अधर और इसको लज्जा। तो यहां बांस जाति से प्रेम नहीं है बिहारी को, बिहारी जी को प्रेम है बंसरी के गुण से। बंसरी का पहला गुण, बिना बुलाए बोलते नहीं। बंसरी को जब तक आप फूंक नहीं मारोगे आवाज नहीं निकलेगी। बंसी बिना बुलाए बोलती, यानी आपको बिना प्रयोजन का चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चर्चा से ही विवाद होता है। बंसरी का दूसरा गुण, बंसरी के हृदय में कोई गांठ नहीं है, निश्चल है, निष्कपट है। ऐसे इस जीवात्मा के हृदय में आघात का प्रतिघात करने की भावना नहीं। बंसरी का तीसरा गुण, उसके सीने में जख्म है, बंसी के ऊपर नौ नौ छिद्र हैं, फिर भी जब भी बोलती है मधुर बोलती है। अगर यही तीन गुण आपके जीवन में आ जाए तो जीवन के दुख तो दूर होंगे ही, बाकी मेरा मानना है कि आप बिहारी के पास आ जाए और बिहारी कहता है एक बार मेरे चरणों में झुक के तो देखो, मैं तुम्हें नरसिंह नारायण बना दूंगा। लेकिन झुक के तो देखो, भगवान रास रचाने की बात करते हैं, रास यानी जो सबको रास आए। रास का मतलब पता है, जैसे कहते हैं बच्चे के बचपन से और बचपन से और बचपन तक के दोस्त हैं, सबके बीच में उनके जैसा हो जाना, उनके हृदय की भावनाओं को समझ लेना और जिसमें उन्हें आनंद मिले वही कार्य कर देना, इसे रास कहते। रामायण में लिखा है ना स्वामी जी ने कि स्वांता सुनाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मति मात लोटी। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मति मात स्वाधन अंत अस्तु स्वांत। स्वयानी मैं, अपने अंत करण के लिए, अपने अंतःकरण के सुख की प्राप्ति के लिए श्रीमद् श्री रामचरितमानस की रचना बाबा गोस्वामी जी ने की है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा,
अपने अंतःकरण के सुख की प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी ने श्री राम कथा लिखा है। और आप दूसरे प्रियजन को, अपने प्रियतम को, अपने चाहने वाले को वही चीज दोगे जिसने आपको सुख मिलता है। गोस्वामी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। गोस्वामी जी से जब लोगों ने कहा कि भैया बड़ी सुंदर कथा लिखी, उन्होंने कहा ना जी ना, मैंने तो कथा लिखा ही नहीं, ये कथा मैंने लिखा ही नहीं है, ये तो हनुमान जी महाराज की कल्पना है। मानस संभु मन ही रचिरा अवसर पाई उमा समुभा। ये रामचरितमानस भगवान शिव की कल्पना है जो अवसर मिलने के बाद सती को सुनाया। जब आप सब कुछ करके ये कह दो कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये प्रभु की कृपा है, और अगर कह दो मैंने ये किया तो ये इनकार का प्रतीक होता है। ये मैंने किया, आप कौन है करने वाले? मैंने ये दान किया, आप कौन है दान करने वाले? मैंने ये धर्म किया, आप कौन है करने वाले? दान किया तो मेरा नाम पहले लेना चाहिए, फिर कथा कब करें? इसलिए देनहार कोई और है, जो देवे दिन रे, लोग भरम हम पे करें तासो नीचे। देने वाला तो कोई और है जो रात दिन देता है, और लोग समझते हैं हमारे बारे में कि यह हम देते हैं इसलिए नजर झुकाते हैं। यानी निराश रचना चालू किया है। रास में खाली तालियां बजाना, नृत्य करना, इसको रास नहीं। राशि का प्रथम व्यवस्था जो है सुने, जयते जयते यदुनंदना, जयते जयते यदुनंदना, मधुसूदना यदुनंदना। जयते जयते मधुसूदन।
Oh, Madhusudana.